press the bell icon, never miss an update from Student Khabri. Everybody, this is Darshi Khan. You're watching Student Khabri. और अगर आप एक MBBS aspirant हो, वैसे हर इंसान कहीं ना कहीं बचपन में चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, but डॉक्टर बनना हर इंसान के बस की बात नहीं, because इसमें admission मिलना, भले वो private colleges हो या फिर government colleges हो, ये हर इंसान के बस में नहीं, because it's a टेढ़ी खीर. But आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप मध्य प्रदेश से MBBS करना चाहते हैं तो ऐसे कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि एडमिशन के लिए तो आपकी परसेंटाइल, आपकी रैंक बहुत अच्छी होनी चाहिए, देन ओनली आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है. तो मैंने ऐसे बहुत सारी लिस्ट बनाई है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की, बट अभी की लिस्ट में मैं बात करूंगी सबसे पहले जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज की, जिसमें सबसे पहला कॉलेज है एम्स भोपाल में. वैसे एम्स जो है वो दिल्ली का नोन है, बट एम्स भोपाल में भी है, आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं. ये बेसिकली एक नेशनल लेवल का कॉलेज है, जैसे कि हम IITs की बात करते हैं, IIMs की बात करते हैं, वैसे ही मेडिकल में एम्स जो है वो नेशनल लेवल के कॉलेजेस है. देन उसके अलावा जो कॉलेज आप देख सकते हैं, दैट इज अगेन फ्रॉम भोपाल, दैट इज गांधी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट है, MBBS कराता है, कट ऑफ बहुत कम पे जाता है और फीस बहुत कम है, दैट इज द रीजन MP में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस की डिमांड जो है वो अलग ही लेवल पे है यार, अलग ही लेवल पे. मतलब तुम्हारा सपना है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, बट तुम कैसे बनोगे, उसके लिए यू नो ये कॉलेजेस भी मिलने चाहिए और तुम्हारी मार्क्स और रैंक भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और चीज याद आई, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और इस पे आपको चैनल पे वीडियोस मिलने वाले हैं. तो अगर आप एक यू नो मेडिकल एस्पिरेंट हैं, इस साल कहीं ना कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ मिलने वाला है सब चीज यू नो, अगर वो हम बात करें MBBS की काउंसलिंग से रिलेटेड. जो इसके अलावा तीसरा कॉलेज है, दैट इज गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर. वैसे तो नाम अजीब से होते हैं, गजराजा, हाथी को हम कहीं ना कहीं गजराज कहते हैं, तो उसी के नाम पे हो सकता है ये कॉलेज का नाम है. देन उसके अलावा जो कॉलेज है, दैट इज महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर, जिसको हम MGM के नाम से भी जानते हैं. ये काफी नोन का टॉप में आता है ये कॉलेज, अगर हम गवर्नमेंट की कैटेगरी में भी इसकी बात करें तो. अगेन इन सभी कॉलेजेस में जाने के लिए यू नीड टू हैव नॉट जस्ट अ गुड स्कोर, अ वेरी गुड स्कोर. सो अगेन काउंसलिंग प्रोसेस कितना कट ऑफ होगा वो सब मिलेगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा. उसके अलावा अगर हम बात करें, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में है, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया. आप अगर देखेंगे MP में तो आपको हर यू नो एक तरह से सिटी के अंदर कॉलेज मिल जाएगा, जैसे दतिया में आपने देखा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा में मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम में मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा में मिल जाएगा, यार खत्म ही नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ यू नो छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में मिल जाएगा. तो ये तो लिस्ट खत्म होती है, बट ये तो लिस्ट तो मैंने आपको बता दी सारे कॉलेजेस की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल रही हूँ, जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो. बट तुम्हारे दिमाग में सवाल होगा, यार ये कॉलेज जान के करेंगे क्या, मैटर तो ये करता है कि इसके अंदर एडमिशन कैसे मिलेगा, इस बार क्या उथल पुथल होगी, कितनी सीट्स बढ़ी हैं, कितना कट ऑफ जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर आप ऑल स्टूडेंट हो, क्या आपके अगर आप MP के हो, अलग अलग कैटेगरी के हो, तो क्या सिनेरियो है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस पर आपको आने वाले यू नो वीडियोस में आने वाली वीडियोस मिलेंगी, तो उसके लिए चैनल पे बने रहना है. बाकी दिस वाज अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट है MBBS के लिए, MP के लिए. अदरवाइज अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, जाके पूछ सकते हो, एक फॉर्म का लिंक दिया होगा, वो भरोगे तो ही जवाब मिलेगा, वरना आप मैसेज करते जाओ और सोचो कि जवाब ही नहीं मिल रहा है, तो वो फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, तो जाके फॉर्म फिल करना. बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहो स्टूडेंट खबरी के साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.